नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारा जवाब पता था, इसलिए मैंने पहले ही इस सीडी की दूसरी कॉपी मोना को भिजवा दी है, शायद उसे मिल भी गई होगी। मैं आपा को दिए। थैंक यू। ये सीडी किसने भेजी? आप इतनी परेशान क्यों? परेशान कहूं मैं, क्यों परेशान, बस ऐसे ही मुझे पूछना था, मेरे लिए कोई कुरियर आया? हाँ मिला है, पर आपको कैसे पता? ले मुझे कैसे पता नहीं होगा, मैंने ऑर्डर की थी एक सीडी, वो मंत्रों की बेना के लिए। ओ अच्छा, वो ही मैं सोच रही थी कि पता नहीं किसने भेजा है। क्या हो गया कलावती को? इतनी बार मना किया है कि मिर्ची ना डाला करे मेरे खाने में, समझ में क्यों नहीं आता? चल। इधर क्या हुआ? इधर करण संभाले से। क्या हुआ? क्या हुआ? इधर दर्द हो रहा है। मिम्मी तू इसे कमरे में ले जा, आराम से लेटा, मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। डॉक्टर को बुलाइए ना। बस थोड़ा सहन कर ले। हमें यहाँ से चलना चाहिए, डॉक्टर ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो। हमें भी इसी डॉक्टर के पास आना था। तूने सब छोड़ो, तुसी घर चलो। ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे करण ने कुछ पूछा तो क्या कहेंगे? सुन तू एक काम कर, तू 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 यहाँ बैठ जा, हम लोग बस डॉक्टर के सामने नहीं जाएंगे, ठीक है? बैठो, संभाल के। चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, लेकिन दर्द तो बहुत तेज हो रहा था। वजन बढ़ जाने के कारण मसल पुल हुआ होगा, इसी कारण पेट में दर्द हो रहा होगा। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इनको दे दीजिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपसे एक फेवर चाहिए था, मेरी चाची जी भी साथ में आई है, उनकी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं है, आप उनका भी एक बार चेकअप कर लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। चाची जी कहाँ गई? बाहर है, क्यों इन्हें परेशान कर रहा है, बाद में दिखा देंगे। चाची जी अब आ गए तो दिखा देते हैं, बाद में फिर रह जाएगा। चाची जी आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, आप भी चेकअप करा लीजिए। नहीं करण, मुझे क्या हुआ है, मुझे कोई चेकअप की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं करवानी। अरे चाची जी अब यहाँ तक आई गए तो चेकअप कराने में क्या हर्ज है? नहीं करण। चलिए आप चलिए। अरे करण चलिए, बात तो सुनते सही। पुत्र अरे एक बार दिखा दीजिए। करण पुत्र रुक जा पुत्र। डॉक्टर साहब ये मेरी चाची जी है, इन्हीं की तबीयत ठीक नहीं है। इन्हें कुछ नहीं हुआ है, इस उम्र में तो कॉम्प्लिकेशन आते ही रहते हैं, और फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन एक बार चेकअप तो कर लीजिए आप प्लीज। मैं इनका चेकअप कर चुकी हूँ, इसलिए कह रही हूँ, इस उम्र की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन तो आते ही रहते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बस इनकी खुराक का ध्यान रखिए, बच्चा हेल्दी होगा।